हेलो दोस्तों नमस्कार तो आज हम करेंगे जी आई पोस्ट कोड नौ के लिए एंड पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं तो दोस्तों अगर आप जब पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे तो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें और दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है ये तो याद रखने ही रखने लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आपको वो भी याद रखनी है ठीक है तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है अशोक के शासनकाल में एक बोध परिषद हुई थी तो वे दोस्तों कहाँ पे हुई थी तो आपको दोस्तों बताना है चार ऑप्शन आपके सामने है राजगृह में पाटलिपुत्र में मगध में या फिर नन ऑफ दीज तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कितनी बौद्ध परिषद हुई है दोस्तों कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई है तो सभी को पता होगा चार बौद्ध संगतियाँ हुई है जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है जो पहली संगति हुई है दोस्तों बौद्ध संगति वो कहाँ पे हुई है तो पहली बौद्ध संगति हुई है राजगृह में नोट करें दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है और आगे भी बन सकता है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में तीसरी संगति पूछे तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों तो भी होती पाटलिपुत्र में एंड चौथी संगति कहाँ पे हुई थी तो चौथी संगति हुई थी कुंडलवन में आपको ये चार इंपॉर्टेंट बोध संगतियां याद रखनी है और जो अब आपसे पूछा दोस्तों इस क्वेश्चन में अशोक के शासनकाल में कौन सी संगति हुई थी और कहाँ पे हुई थी तो अशोक के शासनकाल में दोस्तों तीसरी बोध संगति हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी इज दी करेक्ट आंसर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है वन ट्वेंटी टू गुप्त काल में आधिकारिक भाषा थी तो कौन सी थी दोस्तों तो गुप्त काल में जो आधिकारिक भाषा थी वे थी संस्कृत बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत इज द राइट आंसर उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है हु रोट रामचरित रामचरित जो वो किसने लिखी थी तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को यहाँ पे गलत करने वाले हैं रामचरित किसने लिखी थी दोस्तों ऑप्शन ए है बान भट्ट ने बी है कालिदास ने सी है तुलसीदास ने एंड डी है संध्याकर तो इस नदी है, ने तो इसका ऑप्शन डी होगा जो रामचरित लिखिए भी किसने लिखी है तो वे लिखिए संध्याकर नदी इस ने इसने दोस्तों संध्याकर नदी आपको याद रखना है एंड नोट करें रामचरित मानस अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि रामचरित मानस किसने लिखी तो दोस्तों तुलसीदास ने लिखी थे रामचरित मानस लेकिन छड़ा रामचरित आ गया तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा संध्याकर नदी ने उसके बाद दोस्तों आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो कादंबरी है वो किसने लिखी कादंबरी के लेखक कौन है तो बान भर जो वो कादंबरी के लेखक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है और दोस्तों कालिदास की तो आपको पता है बहुत सी रचनाएं हैं मेघदूत कालिदास ने लिखी है कुमार संभव जो वो कालिदास ने लिखी है और भी काफी जो दोस्तों रचनाएं हैं जो कि कालिदास द्वारा जो जब रचित है आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो याद रखनी है उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस मुग़ल बादशाह ने तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था तो किसने लगाया था दोस्तों अकबर ने बाबर ने जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था आपको याद रखना है और नोट करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी तो कहाँ पर थी टिप्पू सुल्तान की राजधानी दोस्तों हम्पी में थी गुलबर्ग में थी श्री रंगपटनम थी या फिर नन ऑफ दीज कहीं पर भी नहीं थी तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे थी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री रंगपटनम जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं बहुत बढ़िया जो टिप्पू सुल्तान की राजनीति वे श्री रंगपटनम में थी उसके बाद दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था और आता भी है काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था तो मैसूर दोस्तों याद रखना है आपको मैसूर का शासक था उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन के संस्थापक कौन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और पुलिस कांस्टेबल दो हजार उन्नीस में सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे तो कौन थे दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई दोस्तों अठारह सौ सतानवे में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जब की गई थी इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और कब गई थी तो अठारह में की थी और आर्य समाज की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं अगर आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई तो अठारह में और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्य समाज की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई तो दोस्तों वो की गई थी अठारह में आपको याद रखना है इसी के साथ एक क्वेश्चन और है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की

इंग्लिश एजुकेशन से बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षण से लोड मकालिका संबंध है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृता कौर बी है एनी बेसेंट सी है सुचेत तकरीपलाणी एंड डी है सरोजिनी नायडू तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आगे देखने को मिल भी सकता है दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की तो वे थी एनी बेसेंट आपको याद रखना कौन थी एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष और पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों तो वे थे दोस्तों डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे पहले राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला की बात आए तो एनी बेसेंट अगर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों जॉर्ज यूल

तो एओ हयूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अठारह सौ पचासी में और बॉम्बे में की गई थी इतना याद हो गया उसके बाद दोस्तों आपको जब सरोजी नायडू कौन थी तो सरोजी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बिल्कुल उसका सुचेता कृपलानी कौन थी तो सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर कौन थी तो राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री तो दोस्तों आपको ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इसी एक क्वेश्चन से कम से कम आपको दोस्तों दस क्वेश्चन जब आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं तो आप इन दस के दस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन आपकी स्क्रीन के सामने भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची संबंधित है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो किस संबंधित है दोस्तों दसवीं अनुसूची ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी से एंटी डिफेक्शन इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भारतीय संविधान की दस में अनुसूची में दल बदल विरोधी से संबंधित है और अगर आपको दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची किस से संबंधित तो है तो ग्यारह बे अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से आप जो वो याद रखें या फिर नोट जरूर कर लें उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि कल्याणकारी राज्य की विचारण का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में है तो कल्याणकारी राज्य तो के विचार का समावेश किस संविधान में दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक तौर तो पर भौगोलिक क्षेत्र को एक अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु अधिकृत है तो कौन है दोस्तों तो बिल्कुल बताना है आपको राज्यपाल होगा मुख्यमंत्री होगा प्रधानमंत्री होगा या फिर राष्ट्रपति होगा दोस्तों इसका राष्ट्रपति ऑप्शन इसका डी राइट आंसर बन जाएगा उसका हमेशा प्रस्तुत होता है होता है दोस्तों यूनियन ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन तो सबसे पहले जो संघ का बजट प्रस्तुत होता है वे होता है लोकसभा में कहाँ पे दोस्तों लोकसभा बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप जब इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है राष्ट्रपति है संसद है मंत्रिपरिषद है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दो बार विश्वविद को पार करती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस द इक्वेटर टू टाइम्स तो कौन सी नदी करती है दोस्तों कांगो नदी अमेजन नदी नाइगर नदी या फिर नील नदी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी जो कांगो नदी दोस्तों वे विश्ववृत्यु रेखा को जब वो दो बार पार करती है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा है तो कौन सा सागर है दोस्तों जो कि विश्व का सबसे बड़ा है कैस्पियन सागर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा या फिर उत्तरी सागर हो जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा सागर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर बिल्कुल कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है ठीक है ना कि सागर है और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो वह है दक्षिण चीन सागर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमिनिटी इज द रिजल्ट ऑफ आदरता किसका परिणाम है तो आद्रता किसका परिणाम है दोस्तों तो आद्रता है हवा में जल बाष्प की उपस्थिति के कारण इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि मैग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं तो कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों मैग्रोव वन समुद्री तट पर नदी के किनारों पर नदी के मुहानों पर या फिर नन ऑफ दी तो जो मैग्रोव वन है दोस्तों वे पाए जाते हैं नदी के मुहानों पर कहाँ पर दोस्तों नदी के मुहानों पर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन जो वो आज डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन जो भी थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से नहीं पता है तो आप जो दोस्तों तुरंत वीडियो को पीछे करें और नोट जरूर करें क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए ये आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम में तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पाने के लिए एंड रोजाना पाने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएँ ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी डेली क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुँचता रहे तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड, एंड नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट साढ़े आठ बजे वाली डेली क्लास के साथ तब तक जय हिंद जय भारत बंदे मातरम